हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा छः का मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग जो चैप्टर है, नोमिंग आवर नंबर्स, अपने संख्याओं को आप जाने, संख्याओं को जाने या जानना। मैं आज गणित का शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन करेंगे। तो हम लोग रिवीजन के माध्यम से हम अपने पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसको हिंदी में पुनरावृत्ति, पुनः दोहराना। जो भी चीज़ें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं क्लास फाइव में, उसी को हम लोग दोहराएंगे। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम आते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आप जानते हैं कि जो भी संख्याएं होती हैं वो शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, फुल जो डिजिट होते हैं वो 10 डिजिट होते हैं, इसको डिजिट बोलते हैं। डिजिट मीन्स अंक, डिजिट माने होता है अंक। हिंदी में अंक आते हैं, इंग्लिश में इसको डिजिट के नाम से जानते हैं। हमारे जो डिजिट होते हैं, जीरो डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट, कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं। जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो कुल 10 डिजिट होते हैं। अब 10 डिजिट में कहानी क्या चलती है, आपने नंबर टेबल पढ़ा होगा। हम लोग 1 to 100 नंबर टेबल पढ़ते हैं, तो 1 to 100 में हमारे एक डिजिट से लेकर के 3 डिजिट तक की संख्या होती है। हम लोग जो गिनती गिनते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, लास्ट में 10 आता है, फिर 11 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में 20 आता है, ऐसे चलते रहते हैं, 99 वाले में नीचे 100 आ जाता है। तो आप जो भी संख्याएं देखते हैं, ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर के 9 तक, अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की बात करें, इसको बोलते हैं 1 डिजिट नंबर। 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं इसको 1 अंकी संख्या कहते हैं, 1 डिजिट नंबर। तो ये 1 डिजिट नंबर है। जब हम 10 पर आते हैं, 10 पर आते हैं, तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह से चलते हैं हम लोग 99 तक, 99 तक, जिसको 99 बोलते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स, ये सब 2 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर। इसको हम लोग 2 अंकीय संख्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या है इंग्लिश में 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। फिर जब हम 100 पर पहुंचते हैं, 100 जो 100 होता है, ये 3 अंक की संख्या होती है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो 1 से लेके 100 तक 1 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं और 3 डिजिट नंबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिजिट नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे 9, 1 to 9, ये 1 डिजिट नंबर है। फिर 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो 100 से लेके 99 तक, 100 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। और 3 डिजिट का नंबर जो है 100 होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 101, 102, 103, 999 तक, 999 तक ये 3 डिजिट नंबर होते हैं। फिर 4 डिजिट का नंबर शुरू होता है 1000 से, और 1000 से लेकर के 1001, 1002, 1003 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, कहाँ तक, 9999 तक ये 4 डिजिट नंबर होते हैं। फिर 10,000 से 5 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है। तो ये सब कहानी आप लोग छोटी कक्षाओं पढ़ चुके हैं, इन्हीं को मैं दोहरा रहा हूँ। आइए हम इस चार्ट को समझ लेते हैं, सारी बातें हमारे दिमाग में फीड हो जाएंगी। डिजिट हमने यहाँ लिख दिया, डिजिट जिसको हिंदी में अंक कहते हैं, फिर नंबर हमने लिखा है जिसको संख्या बोलते हैं, फिर हमने कॉलम बनाया ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी। तो आइए हम 1 डिजिट की बात करते हैं। 1 अंक वाली संख्या सबसे बड़ी 9 होती है, और सबसे छोटी 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। हम छोटी बड़ी की बात कर रहे हैं,
फिर दो अंक की, दो अंक की जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है वो 99 होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप नंबर टेबल पढ़ते हैं तो नंबर टेबल में सबसे अंतिम में जो दो अंक की संख्या होती है 99 के बाद हमारा 100 हो जाता है, जो तीन अंक की संख्या होती है 3-digit नंबर होता है। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 10। देखिए सबसे छोटी संख्या दो अंक की 10 होती है, क्योंकि 10 पर पहुंचते हैं तो दो अंक हमको प्राप्त होता है। 1 से 9 तक अगर बात करें तो सिर्फ एक ही अंक होता है, जब 10 पर पहुंचते हैं तो दो अंक प्राप्त होता है। 10 से स्टार्ट करके 99 तक ये दो अंक वाली संख्या होती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर तीन अंक की बात करें, सबसे बड़ी संख्या, तो तीन अंक की सबसे छोटी 100 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटा 100 से स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट 100 हो गया, सबसे बड़ी 999 होता है। फिर 999 के आगे बढ़ते हैं तो 1000 आता है, जो सबसे छोटी 4 अंक की 4-digit नंबर सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी 9999 होता है। इसी तरह से आप बड़ी इजीली इस चीज़ को याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है कि 1-digit नंबर में जब बड़े की बात किया जाए, ग्रेटेस्ट की बात किया जाए तो 99 बोलिए, अगर 1 की बात करें तो 1 9 लेना है, 2 की बड़े की बात करें 2 9 लेना है, 3 बड़े की बात करें 3 9 लेना है, 4 बड़े की बात करें 4 9 लेना है। आप देख रहे हैं बड़ी इजीली आप याद कर सकते हैं। कोई पूछा कि 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए तो आप 9999 10 लिखेंगे, आपकी बड़ी संख्या निकल जाएगा। छोटी की बात करें तो सबसे छोटी संख्या एक आपको पता है, 2 अंक आएगा तो 1 के बाद 0 बढ़ाइए 2 हो गया, 3 अंक की कहते 1 बार 2 0 बढ़ाइए तो 100 हो गया, 4 अंक की सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 के बाद 3 0 बढ़ा दीजिए। ये तरह बढ़ाते रहते हैं, और हमको अगर 8 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 के बाद 7 0 होगा, कुल मिला के 8 संख्याएँ होंगी। तो देखिए 8 संख्याएँ हैं, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। आइए ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं। इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं भारतीय नंबर प्रणाली में इस नंबर प्रणाली को दूसरे नाम से भी जानते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चाहे हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहें या हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहें, एक ही बात है। इसमें आपने छोटी कक्षा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, 10 करोड़, 10 करोड़ अरब, ऐसे आप पढ़ते जाते हैं, 10 अरब खरब 10 खरब पढ़ते रहते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में वंश बोलते हैं। वंश में वंश को इकाई कहते हैं, टेंस को दहाई कहते हैं, हंड्रेड को सैकड़ा कहते हैं, फिर 1000 10,000,00,000, फिर 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ इस तरह से बात करते हैं। और इसमें एक नियम बनाया गया कि वंश, टेंस, हंड्रेड को एक ग्रुप बनाया गया, और इस ग्रुप को हम लोग वंश के नाम से जानते हैं। फिर 1000 और 10,000 का एक ग्रुप बनाया गया इस दोनों का, जिसको हम 1000 के नाम से जानते हैं। 10 लाख और 1 लाख का एक ग्रुप बनाया गया दोनों को मिला के, जिसको लाख जानते हैं। करोड़ को हम लोग करोड़ जानते हैं। अब कैसे इसको हम लोग जानते हैं, वंश का मतलब होता है एक ही संख्या होता है इकाई, वन। अगर कोई एक संख्या है किसी नंबर में, एक ही संख्या है तो वो वंश बोलते हैं, और जब दो संख्या आती है तो इसको वंश, इसको टेंस के नाम से जानते हैं। दोनों मिला करके टेंस हो गया, टेंस का मतलब 10। फिर 100 में 1 के बाद 2 शून्य मतलब 3 अंक होना चाहिए। देखिए तीसरे नंबर पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर है तो उसको 100 बोलते हैं, 4 अंक पर है चौथे नंबर पर 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है तो 4 अंक होना चाहिए। इसी तरह फिफ्थ नंबर पर है तो 5 नंबर होने चाहिए, 6 नंबर पर 6, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो ये सब बात आप लोग समझ गए होंगे। ग्रुपिंग बनाने का यूज क्या था, तो ग्रुप बनाने का यूज यही है कि हम लोग जब भी किसी नंबर को राइट करते हैं या रीड करते हैं, जब भी किसी नंबर को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले 3 अंक राइट साइड से 3 digit के बाद एक कॉमा यूज करते हैं, फिर उसके बाद 2 रो का कॉमा यूज करते हैं, क्योंकि आगे शुरुआत की ग्रुपिंग 3 हो रहा है और बाद वाली ग्रुपिंग 2 की ग्रुपिंग है। तो कोई नंबर अगर हमको लिखना हो
तो हम पहले तीन अंक जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से बात अब ज़्यादा समझ में आएगी। लिखा है राइट द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको हमको राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो तीन गिन लेते हैं, 1 2 3 और एक कामा यूज करते हैं, क्योंकि वंस का एक ग्रुप है, ये तीनों का एक ग्रुप है जिसका नाम देते हैं हम वंस ग्रुप। फिर उसके बाद दो दो की ग्रुपिंग करते हैं, यानी दो अंक के बाद फिर कामा देंगे, दो अंक के बाद फिर कामा देंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो एक तो तरीका हो गया राइट करने का, तो राइट करने का क्या तरीका है कि नंबर को लिखते हैं और राइट साइड से सबसे पहले तीन अंक के बाद तीन डिजिट के बाद कामा यूज करते हैं, फिर दो डिजिट के बाद कामा यूज करेंगे, फिर दो डिजिट के बाद कामा यूज करेंगे, फिर दो डिजिट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तीन डिजिट के बाद कामा यूज करते हैं, सबसे पहले तीन डिजिट, फिर दो 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 करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड करने का तरीका है, इसको वंस बोलते हैं, इसको थाउजेंड बोलते हैं, इसको लाख बोलते हैं, इसको करोड़ बोलते हैं। तो एट जो है वो करोड़ के स्थान, इसको कहेंगे एट करोड़। फिर 53 लाख 24,169 ये पढ़ने का तरीका होता है। तो हमारा एग्जांपल है राइट द नंबर दिस इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे चार्ट बना लेंगे, और चार्ट बना करके मैं इसी में ज्वाइंट चार्ट बना दे रहा हूँ, और इसको ये करोड़ हो गया, तो करोड़ वाले में एट लिख देंगे, फिर 53, ये लाख वाले में है तो 50 हो गया, एक 3 हो गया, फिर 24,000 वाले में 1,000 वाला ग्रुप, 1,000 का ग्रुप है, 24 हो गया। उसके बाद 169, ये 100 है तो 100 वाले 1 हो गया, और ये 60 10 9 1 है। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। अब इसको जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे पुट कर देंगे तो हम इसको इजीली ही पढ़ सकते हैं। देखिए ये करोड़ के स्थान पर करोड़, 8 करोड़, 53 लाख, इन दोनों को ज्वाइंट पढ़ते हैं चूंकि ये ज्वाइंट ग्रुपिंग है, 53 लाख, फिर ये 1,000, 24,000, ये 169। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले तीन अंक के बाद कामा राइट साइड से, फिर दो दो अंक के बाद कामा लगा देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी 2 and 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। हाउ मेनी माने कितने, 2 माने 2 अंक वाले, 3 माने 3 अंक वाले डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, कितने होते हैं, 2 अंक वाले संख्या कितनी होती है और 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है। तो इसको मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बताया भी हूँ, 2 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है, 99 तक। तो अगर इसको हम जानना चाहें तो यहाँ देखिए 11 से लेके 20 तक 10 हो गया, फिर 21 वाला हो गया, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके ऐसे चलेंगे 41 51 61 71 81 और 91, तो 91 से लेके 99 तक इसमें 9 हो गया, बाकी इसमें 10, इस लाइन में 10 होगा, फिर 10 होगा इसमें, फिर 10 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 इसमें, आइए फिर इसमें, तो क्या बार 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दाम 80 संख्या, तो ये हो गया 80 और ये 9 और प्लस 1 10 वाला, यानी कुल 90 नंबर्स। टोटल नंबर्स 2 अंक वाले कितने होते हैं, 90 होते हैं। ये तो हमने आपको एक तरीका बताया, लेकिन ये तरीका थोड़ा हमको ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा हमको टाइम देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका, 99 सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देते हैं। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमको पता है, यहाँ से हम लोग जान चुके हैं 99 होता है, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 9 होती है, इसको घटा देते हैं, तो घटाने पर ऑटोमेटिकली 90 हमको तुरंत आंसर आ जाता है। अब आइए हम बात करें तीन डिजिट की सबसे ज़्यादा संख्या क्या होती है, तो क्या करेंगे, 999 में से 99 घटा देंगे, तो 900 होती है तीन डिजिट वाली, यानी तीन डिजिट की संख्याएं कितनी होती हैं, तो 900 होती हैं। इसी तरह पूछा जाए चार डिजिट की संख्या कितनी होती है, तो चार डिजिट के लिए क्या करेंगे, चार को 9999 में से 9 घटा देंगे, 3 9 घटाएंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 4 डिजिट का सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें से 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर घटाएंगे, 4 9 के बाद ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप बड़ी इजीली आप बता सकते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए 2 अंक, 9 के बाद 0 बढ़ाइए, 2 अंक की
कितनी संख्या होती है, 90 होती है। तीन अंक की कितनी संख्या होती है, 90 के बाद 2, तीन अंक हो जाना चाहिए। चार अंक की संख्या कितनी होती है, तो 90 के बाद 9 के बाद 4 शून्य बढ़ाइए। पांच अंक की संख्या कुल कितनी होती है, तो 9 के बाद ऐसा बढ़ाइए, 5 अंक हो जाए, 4 शून्य बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आते हैं प्लेस वैल्यू, जानते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के बारे में जाना जाए, स्थानीय मान क्या होता है, आइए सब कहानी छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है, लेकिन मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो स्थानीय मान किसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो प्लेस वैल्यू पर हम लोग बात करते हैं। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी अंक जिस प्लेस पर होता है वही उसकी प्लेस, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम आपसे पूछा है किसी नंबर का प्लेस वैल्यू, हमेशा किसी विशेष नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि 2 की प्लेस वैल्यू बताइए या 4 की प्लेस वैल्यू, किसी हम अंक की प्लेस वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, जिस पोजीशन पर है वो लिख करके और उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उतने एक के बाद उतने शून्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तो ये तरीका होता है। तो ये हमको मिल गया 2 के बाद 4 शून्य, अब इसको पढ़ लीजिए, यानी ये 20,000 के प्लेस पर है। किसके प्लेस पर है, 20,000 इसका प्लेस हुआ। या ऐसे कह सकते हैं कि ये 10,000 के प्लेस पर है, 10,000 भी कह सकते हैं, 10,000 का प्लेस हो गया। इधर से गिना ऐसे हम लोग आते हैं, 3 तो 1100 होता है, फिर 1000 10,000, देखिए 1100 3 तो फिर 1000 10,000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में के 10,000 का प्लेस है। तो 2 का प्लेस क्या है, 10,000 का प्लेस है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू समझ गए। अब आप हम ले चलते हैं फेस वैल्यू पर। तो प्लेस वैल्यू क्लियर हो गई, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू में हम लोग उसका स्थान नहीं बताते, चूंकि प्लेस वैल्यू तो स्थान बताना पड़ता है, किस स्थान पर है। फेस वैल्यू मतलब उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू, किसी संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाए तो वही संख्या, यानी आपको कुछ नहीं सोचना। अगर पूछा कि 8 की फेस वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे 8 की फेस वैल्यू 8, 4 की फेस वैल्यू 4, फेस वैल्यू का मतलब कैसा दिख रहा है, 4 है तो 4 दिख रहा है, फेस उसका कैसा है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे, प्लेस का मतलब स्थान बताना पड़ेगा, किस स्थान पर है वो, आप फेस का मतलब कुछ नहीं बताना, बस जो है वही। अब आइए आगे बात करते हैं, बात करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।